बक्सर पुलिस ने अवैध हथियार की फैक्ट्री चलाने वाले गिरोह के दो सदस्यों को गिरफ्तार कर लिया है। एक तरफ जहां कोरोना काल के समय अपराधियों का मनोबल बढ़ता दिख रहा है, वहीं दूसरी तरफ बक्सर पुलिस भी एक्शन मोड में दिख रही है। जिले के सोनबरसा ओपी थाना की पुलिस ने अवैध हथियारों और हथियार बनाने वाले सामानों के साथ दो लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियार तस्कर हथियारों की सप्लाई के लिए सोनबरसा थाने इलाके में आए हुए हैं। गुप्त सूचना पर पुलिस ने दोनों लोगों को पकड़कर जब तलाशी ली तो उनके पास से बोरे में छिपाकर ले जा रहे दो राइफल, एक कट्टा और कुछ हथियार बनाने वाले सामान बरामद किए गए। वहीं पुलिस मामले में डुमराव डीएसपी केके सिंह ने बताया कि पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि हथियारों की सप्लाई करने के लिए कुछ लोग सोनबरसा थाना इलाके में आए हुए हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया गया और उनके पास से हथियार समेत हथियार बनाने का सामान बरामद हुआ। पूछताछ में पता चला कि ये लोग अवैध हथियार बनाने की फैक्ट्री का संचालन करते हैं और हथियार बनाकर सप्लाई करते हैं। डीएसपी ने बताया कि गिरफ्तार किए गए लोग भोजपुर के अग्याव बाजार थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। फिलहाल गिरफ्तार किए गए लोगों से पुलिस पूछताछ कर रही है और यह पता लगाने की कोशिश की जा रही है कि ये लोग कब से अवैध हथियार की फैक्ट्री का संचालन करते हैं और इस गिरोह में कौन कौन से लोग शामिल हैं। बक्सर पुलिस उनसे पूछताछ कर यह भी पता लगाने की कोशिश कर रही है कि अब तक इन लोगों ने किन किन लोगों को अवैध हथियारों की सप्लाई किए हैं। पुलिस को उम्मीद है कि इनसे पूछताछ में और भी बहुत बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। संजय उपाध्याय के साथ राज रंजन की रिपोर्ट, CNB न्यूज बक्सर से। दो राइफल, एक कट्टा और कुछ बनाने का एक बोरे में सामान वगैरह जो होता है वो सब पकड़ा गया। आम फैक्ट्री चला रहे थे ये लोग या कहीं से ला करके सप्लाई? नहीं, चला रहे थे ये लोग, लेकिन कहीं सप्लाई करने जा रहे थे लोग, उसका बिंदु जाँच पड़ताल चल रही है। बिलमपुर में किसको इसको सप्लाई किए हैं और कहाँ कहाँ दिए हैं, सब बिंदु जाँच पड़ताल। अवैध हथियार निर्माण के कार्य में ये लोग कब से, अब तक के अनुसंधान में क्या सामने आया है, कब से ये लोग सामने? अगर वो ये लोग रहने वाले मुल्क से वहाँ पे अग्याव बाजार थाना जिला भोजपुर के हैं, तो वहाँ के थाने से भी संपर्क करके प्रीवियस हिस्ट्री लोगों की पता की जाएगी। अभी तक ज्ञात नहीं है, फिर आपको सूचना दी जाएगी उसके बारे में।